नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसे सभी बच्चे बाकी कंफ्यूजन में थे कि सर एलटी ग्रेड का सिलेबस क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो काफ़ी क्वेरी थी बच्चों के, तो उसके क्वेरी को मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और भी जितने भी आप लोगों के एलटी ग्रेड से कोई भी प्रश्न उठता है आपके मन में कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, वो आप अपने इस वीडियो कमेंट जो है इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपकी वैकेंसी हैं, जो भी वैकेंसी आने वाले हैं, उससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट होता है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी उसकी, क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, एज लिमिट क्या होगा, क्या चांसेस होंगे इसके पैटर्न के, ठीक है, ये वैकेंसी कब आएगी, सब कुछ जो भी आपको चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी डाउट हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एलटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। एलटी 2018 में जो आपके टीचर की जो वैकेंसी आई थी वो 10,000 के अप्रॉक्स 10,768 पोस्ट आया था। उसके बाद से अभी ये चांसेस बन रहे हैं कि न्यूज़ में जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि एलटी की फिर से वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपका अप्रॉक्स 8,000 टीचर के पोस्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसे लोक सेवा आयोग कराएगा। जैसे अभी जीआईसी का पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, उसके स्टैंडर्ड को देख लिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस, जीएस के भी कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। मिन आपके क्वेश्चंस वही थे जो आप सुने रहते हो, लेकिन ऑप्शन इतने घुमा के थे कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाते हो तो वहाँ पे 30-20 क्वेश्चन जो आपके जीएस में आते हैं वो भी मायने रखते हैं। जैसे 40 क्वेश्चन जीआईसी में आया वो एक मायने रखता है आपका जीएस में, ऐसे ही एलटी में 30 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस पोर्शन से, तो वो आपका जीएस का पोर्शन भी एलटी के लिए जो है एक महत्वपूर्ण रोल साबित हो जाता है आपके सिलेक्शन में। तो अभी टीम द्वारा एलटी ग्रेड के लिए जीएस का बैच स्टार्ट हो गया है, जो एकदम मिनिमम फीस में डिस्काउंट पे चल रहा है। तो जिन्हें भी एलटी के जीएस बैच से जुड़ना हो वो जुड़ सकते हैं, वो परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से, ठीक है। और या आप परीक्षा प्लस की वेबसाइट live.parikshaplus.org पे जाके, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे हम एलटी के जो जीएस बैच चल रहा है उसमें कैसे जुड़ सकते हैं। तो अभी हम एलटी ग्रेड के क्वालिफिकेशन के और कौन कौन सी पोस्ट किस किस पे आएगी ये सब मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब 2018 में आया था उसमें सीटें खाली चली गई थी। खाली जाने का कारण है, कारण क्या है, क्योंकि उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स मांग दिया था इपका कि अगर SC ST कोई स्टूडेंट है तो उसको 30% लाना ज़रूरी है। अगर कोई जनरल है चाहे अदर कैटेगरी का है, जनरल या OBC ही बचा अब, तो उसको 40% लाना ज़रूरी है। तो कई ऐसे बच्चे थे, जैसे आपके कंप्यूटर साइंस की सीटें बहुत खाली चली गई थी, लोग 40% ला ही नहीं पाए थे, केमिस्ट्री में 40% लोगों के आ ही नहीं पाए थे, मैथ्स में नहीं आ पाए थे, तो इन सभी के सीटें जो हैं वैकेंट चली गई, ठीक है। वो ऐसा नहीं किया कि कट ऑफ डाउन कर सकता, वो कट ऑफ डाउन नहीं करेगा, जब एक बार लिख दिया तो वही वैकेंसी, कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी मिलके चांसेस यही हैं कि इस बार 8,000 अप्रॉक्स, क्योंकि 10,000 आई थी फिर से 8,000 आ रही है। तो शिक्षक बनने का एक सुनहरा मौका है आप लोगों के पास, तो इससे पहले आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर जान लें कि उसमें क्या क्या पूछेगा, उसके सिलेबस पे भी मैं डिस्कस करूंगा इसके अगली वीडियो में, सिलेबस पे हम लोग विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। तो अभी आज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एलटी में कौन कौन से पोस्ट आएंगे, या आपके जितने भी गवर्नमेंट के एडेड स्कूल हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, इन सभी में माध्यमिक स्तर पर जो पोस्टिंग होती है टीचर का वो एलटी ग्रेड से, और इसे लोक सेवा आयोग कराता है। जैसे जीआईसी वाले में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं उनकी पोस्टिंग के जीआईसी का कई सालों बाद आया था, लेकिन एलटी अभी देख लो 2018 में आया, लेकिन सीटें वैकेंट चली गई, इसलिए अब फिर से आने के चांसेस हैं 99%, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसमें पोस्ट आपकी देखिए हिंदी टीचर की होती है, इंग्लिश की है, मैथमेटिक्स की है, साइंस की है, सोशल साइंस की है, कंप्यूटर की है, उर्दू की है, ठीक है, बायोलॉजी की है, बायोलॉजी और साइंस अलग है। इसमें आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले आए जाएंगे, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री। और सबसे मजे की बात यह है कि सिंगल टर्म एग्जाम होगा, जैसे जीआईसी में क्या है दो है, प्री और मेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म एग्जाम होगा, जो इसका पहला हो चुका है। जीआईसी काफ़ी सालों बाद आया था तो इसलिए उसके नए पैटर्न जो है फ्रेम किए गए थे, दो टर्म में एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ बायोलॉजी वाले अलग होंगे, संस्कृत, आर्ट, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर के भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो कंप्यूटर अभी आपका कंप्यूटर के पॉलिटेक्निक में भी टीचर्स के पोस्ट निकले हैं। तो ये आपके इतने पोस्ट आपको एलटी ग्रेड में मिलेंगे। अब इनके क्वालिफिकेशन सभी के अलग अलग हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको पेपर भी करना होगा। तो
तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ध्यान लें तो देखो हिंदी के लिए सबसे दिक्कत होता है, हिंदी के बच्चे जो हैं क्वालिफिकेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे टीजीटी वीजीटी में कंफ्यूज हुए थे वैसे यहाँ पर भी कंफ्यूजन आपके साथ बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैचलर डिग्री आपका हिंदी में होना चाहिए, जो भी आप बीए किए हों ऐसे हिंदी आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने जो अगर बैचलर डिग्री किया है उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको संस्कृत भी एज ए सब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। आप तो या तो इंटरमीडिएट में पढ़े हो या किसी भी उसी में आपके ग्रेजुएशन के समय में संस्कृत भी एज ए सब्जेक्ट पढ़े हो, तब भी आप एलटी हिंदी से फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों का ये वाला कन्फ्यूज़न दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग संस्कृत नहीं लिए रहते हैं इंटरमीडिएट में, तो उनके लिए ये दिक्कत खड़ा जाता है। बाकी बैचलर में हिंदी होता है और संस्कृत उनके किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है, किसी उसमें नहीं होता है, तो उनके लिए ये फॉर्म वो नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, या इसके इक्वेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन विथ संस्कृत का होना चाहिए। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में भी संस्कृत एज ए सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे होता है कुछ बच्चे हिंदी के साथ संस्कृत ले लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो वहाँ भुगतान करना पड़ जाएगा आपको, आप हिंदी के मास्टर नहीं बन सकते हैं। तो संस्कृत जरूरी है, या तो आपके इंटरमीडिएट में हो या आपके बैचलर डिग्री में हो, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से ये तो एकदम अनिवार्य है, बीएड आपका होना चाहिए। कुछ बच्चों का कन्फ्यूज़न ये है कि क्या इसमें डिप्लोमा जो एजुकेशन से करते हैं, चाहे डीएलएड हुए ठीक है, ये वाले बीटीसी वाले, क्या ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास। एजुकेशन का बैचलर डिग्री मतलब बीएड ठीक है, तो ये बीएड आपके पास होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री हो, जो बैचलर इन एजुकेशन में बीएड की तरह जो डिग्री होगा वो मान्य होगा ठीक है यूनिवर्सिटी से। आ जाते हैं इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि हिंदी के साथ जैसे संस्कृत है तो इसमें ऐसा नहीं इंग्लिश के साथ जर्मनी पढ़ना पड़ जर्मन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ठीक है। इंग्लिश आपने अगर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है 2 साल तक तो वो आपका मान्य होगा। क्या होता है कि लास्ट ईयर में जाते जाते कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट जाता है, तो अगर आप एक 2 साल तक पढ़े हैं तो वो आपको एज ए इंग्लिश के टीचर का फॉर्म भर सकते हैं ठीक है। तो उसके बाद से बीएड तो आपका होना ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। मैथमेटिक्स में मैथ आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर बीएससी मैथ्स हैं ठीक है, तो वो मैथ आपका क्या होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट आपका किस में होना चाहिए? बैचलर डिग्री में होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और ये तो भैया अनिवार्य है ही है कि हमें बीएड तो जरूरी है, बिना बीएड के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साइंस में देखो जो साइंस वाला पोस्ट होगा उसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के मास्टर साहब बनोगे आप लोग ठीक है। बैचलर डिग्री विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, अगर आपने बैचलर डिग्री में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है सब्जेक्ट, चाहे 2 साल 1 साल जो पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे आप साइंस के टीचर का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें साइंस वाले पर भी टिक लगा सकते हैं ठीक है। बायोलॉजी वाले पे नहीं, बायोलॉजी का अलग से पोस्ट है ठीक है। यहाँ पे साइंस अगर आप पढ़ते हो तो साइंस में आपके सिलेबस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री ही पूछेगा, जो 120 क्वेश्चन आएगा। बीएड होना अनिवार्य है ही है आपका। सोशल साइंस में आ जाओ, सोशल साइंस में एक अच्छी चीज इसमें यह है कि सोशल साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो बैचलर डिग्री में एटलीस्ट कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके इन चारों में से होने चाहिए। कौन कौन से 4 में से सब्जेक्ट? या तो आपके बैचलर डिग्री में आपने हिस्ट्री पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, या इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, जो मेन मेन आपके सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री पॉलिटी ठीक है ज्योग्राफी और क्या हो गया इकोनॉमिक्स। अगर इनमें से आपने बैचलर में डिग्री में कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलटी के सोशल साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको लगे, आपके जो पेपर होगा इस पेपर में सोशल साइंस वालों के पेपर में क्या होगा, ये पूरे सब रहेंगे, हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटिक साइंस भी रहेगा और इकोनॉमिक्स भी रहेगा। मतलब चारों के 60-60 प्रश्न आपके क्या होंगे, रहेंगे ठीक है। तो आपको उसमें से 2 आपको चूज करने होंगे कि आप कौन दोनों से फॉर्म जो है मतलब एग्जाम देना चाहते हो, किन दोनों के टीचर बनना चाहते हो ठीक है। तो सोशल साइंस के पेपर में आपके ये चारों के 60-60 प्रश्न आपके रहेंगे, जिसमें से आपको 2 सेक्शन करना होगा, या तो आप हिस्ट्री पॉलिटी कर लो, या हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लो, या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, या पॉलिटी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ज्योग्राफी, कोई भी 2 लेकर आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हो, जो आपका स्ट्रांग हो उसको आप चूज कर सकते हैं। बी एड इसमें भी अनिवार्य है, ये ध्यान रखिए। कंप्यूटर वाले में थोड़ा रिलैक्सेशन है कि भैया आप बी एड नहीं किए हो ठीक है, बीएड भी यहां पे भी बोला है बीएड आपका होना चाहिए
बीएड सेकंड में आपको बीएड होना चाहिए कंप्यूटर वालों के पास भी, बीटेक या बीई होना चाहिए आपका, किस में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के अलावा और कोई नहीं चलेगा। ठीक है, साफ साफ लिखा है इन कंप्यूटर साइंस, मतलब कोई ना इलेक्ट्रिकल ना इलेक्ट्रॉनिक्स ना कोई, चाहे एज ए कंप्यूटर आपने सब्जेक्ट पढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ नहीं मान्य होगा। यहाँ आपका बीटेक कंप्यूटर में हो तभी आप मान्य होंगे, या बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो, या बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए किए हो, या बैचलर डिग्री विथ ए लेवल कोर्स जो नीलेट से होता है वो आपने किया है, और साथ ही साथ आपके पास बीएड है, तब आप जाके इस एलटी ग्रेड कंप्यूटर के टीचर बन सकते हो। उर्दू के लिए सेम, आपका बैचलर डिग्री में आपका उर्दू एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और नेक्स्ट आपका बीएड होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। बायोलॉजी में आपको बैचलर डिग्री में आपको जूलॉजी या बॉटनी एज ए सब्जेक्ट आपका दोनों आपका होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री में जूलॉजी और बॉटनी आपके क्या होने चाहिए, जीव विज्ञान और आपका जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, किस में होना चाहिए, आपके बैचलर डिग्री में दोनों जूलॉजी और बॉटनी, उसके बाद से बीएड भी अनिवार्य है। संस्कृत वाले में बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, तब आप संस्कृत के अध्यापक बन सकते हैं विथ बीएड डिग्री, तो अनिवार्य है। बीएड को कहीं छोड़ना नहीं है, बीएड जरूरी है, ठीक है। बैचलर डिग्री आर्ट के लिए, बैचलर डिग्री विथ आर्ट सब्जेक्ट एज ए फाइन आर्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आप कला के क्षेत्र में जा रहे हैं, कला के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपके पास आर्ट का एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए या फाइन आर्ट का एज ए सब्जेक्ट आपके किस में होना चाहिए, आपके डिग्री में होना चाहिए, तब आप और साथ ही साथ बीएड होंगे तो आर्ट वाले टीचर बनेंगे। म्यूजिक वाले में भी सेम चीज़ है, बैचलर डिग्री विद म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट, अगर आपने कहीं भी म्यूजिक भी, जैसे म्यूजिक से आपने अगर बैचलर डिग्री लिया है और म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, उसके सुर ताल सब जानते हो, वैसा कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो आप लोग एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके यूनिवर्सिटियां हैं जो संगीत से, उससे रिलेटेड अगर आपने पढ़ाई की है, ठीक है, जो लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में है कई यूनिवर्सिटी, तो उनसे अगर आपने पढ़ाई किया है, वो नोटिफिकेशन में आपको लिखता है किन किन यूनिवर्सिटियों से, तो आप म्यूज़िक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ ए संगीत, ठीक है, संगीत विशारद फॉर्म भारत खंडे संगीत महाविद्यालय और संगीत प्रभाकर फॉर्म प्रयाग संगीत समिति अलाहाबाद, अगर इनसे आपने किया है तभी भी आप क्या होंगे, एलिजिबल माने जाएंगे, किससे, संगीत प्रभाकर फॉर्म प्रयाग संगीत समिति अलाहाबाद से, और दूसरा आपका कहाँ से है, देखो संगीत विशारद फॉर्म भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, यहाँ से अगर आपने किया है तो ये क्या होगा, आपको इसके लिए म्यूजिक के लिए आप टीचर बन सकते हो। कॉमर्स में आ जाओ, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, किस में होना चाहिए, कॉमर्स में होना चाहिए, मतलब बीकॉम होना चाहिए आपके पास, ठीक है, बीकॉम है तो कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट, आप जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं वो पढ़ेंगे, इनके में तो और कुछ होता ही नहीं है, बीकॉम के ही सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा बड़ा कोई अलग से इंग्लिश वाला सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन बीकॉम के ही अकाउंट हुआ, फाइनेंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, यही पढ़ते हैं, तो कॉमर्स वाले तो भैया एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं कि ये कॉमर्स वाले जितने भी होंगे बीकॉम वाले वो सभी भर सकते हैं अगर उन्होंने बीएड किया होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फिजिकल एजुकेशन में, ये भी आपका बैचलर डिग्री अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में किया है और साथ ही साथ आपने बीपीएड किया है, ठीक है, बैचलर जो है डिग्री जो आपका फिजिकल एजुकेशन में है, बीएड नहीं है, अगर आपके पास बीपीएड है या बीपीई है, ठीक है, तभी भी आप क्या होंगे, इसमें मान्य होंगे, ठीक, समझ लीजिएगा, अगर आपने बैचलर डिग्री आपने किया हुआ है और साथ ही साथ आपने क्या किया है इसमें, दूसरा क्या होना चाहिए, आप फिजिकल एजुकेशन है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन से आपने डिग्री लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो आप लोग इसमें फिजिकल एजुकेशन का टीचर बन सकते हैं, कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए कोई भी, और उसके साथ अगर आपने बीपीएड किया है, जैसे होते हैं आपने आर्ट से कर लिया बीए, ठीक है, उसके बाद से आपका मन हुआ कि नहीं अब हम फिजिकल एजुकेशन से बीपीएड करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, जो भी किया हो,
ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से किया हो, लेकिन आपने अगर बीपीएड किया है तो आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं। होम साइंस वाले में आ जाओ, बैचलर डिग्री आपको चाहिए, होम साइंस आपका एक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के, ठीक है, तो वो आप एलिजिबल हो गए, और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, सिर्फ बीपीएड आपका फिजिकल एजुकेशन में मान्य है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाला, जो एग्रीकल्चर से आपका ग्रेजुएशन है या हॉर्टिकल्चर एज ए सब्जेक्ट रखा है उनके में, कृषि या हॉर्टिकल्चर जो सब्जेक्ट है वो अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, ठीक है, तो वो लोग आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाले में फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीएड होना अनिवार्य है। एज लिमिट भाई वही है जो यूपीपीएससी की होती है, आपकी लोक सेवा आयोग की जो होती है, लिमिट क्या होती है 21 से 40 साल, वही एज लिमिट है। ग्रेड पे आपका किसका कौन सा ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे की जॉब है। मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दूं कुछ कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसका, तो एक सिंगल टर्म एग्जाम होने वाला है, कितना सिंगल टर्म एग्जाम होगा ये ध्यान आपको रखना है। सिंगल टर्म एग्जाम में आपको पहला जो आपका होगा पोर्शन वो जीएस का होगा, जिससे 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा जो आपका होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट, जो कंसर्न सब्जेक्ट होंगे उससे आपके 120 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 120 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, ठीक, तो ये आपका वेटेज तो रखता ही रखता है, साथ ही साथ ये 30 क्वेश्चन भी रखता है, क्योंकि अगर लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस को देखें जीएस के, तो ऐसे जैसे जीआईसी में आप देखेंगे 30 में से 15 क्वेश्चन, मतलब 40 में से जब जीआईसी में आया था तो लोगों के 15 करना भी भारी पड़ गया है, तो यहाँ पे अगर आप अच्छा खासा स्कोर करते हैं क्योंकि 30 ही क्वेश्चन है और लिमिटेड में आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से अच्छा खासा आप 20-25 क्वेश्चन अगर कर ले जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको अगर थोड़ा सा भी स्थिति आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन मेन रोल तो आपका आप सब्जेक्ट ही प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि बिना इसके तो आप कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन में आप टोटल तो आपको मेनली 40% तो आपको लेके आना है जनरल वाले को, ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए, 150 क्वेश्चन के 40% आपको लाना जरूरी है, तब जाके आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई करोगे एक तरह से। अगर आप क्वालिफाई ही नहीं करो, जैसे पिछली बार मैंने बताया कि कई बच्चे ये 40% नहीं ला पाए थे, अब 40% नहीं आया तो वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो मेरिट भी, मेरिट तो बारह बोली, मेरिट की तो सीट ही खाली चली गई, जितने बच्चे 40 के ऊपर परसेंट पाए थे उनको कुछ सब्जेक्ट, ऐसा नहीं मैं बोला हूँ सभी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ था, कुछ सब्जेक्ट में जैसे कंप्यूटर हुआ, ठीक है, मैथ्स वाले हुए, तो इनमें ऐसे कंडीशंस बन गए थे, तो आपको 40 से ऊपर परसेंट लाना है, उसके बाद से जितना अच्छा आप मेरिट ला लोगे तो जब मेरिट तैयार होगी आपकी उसमें से आपका सिलेक्शन होगा, और सिंगल टर्म एग्जाम है तो एक फायदा है, एक बार मेहनत करो सीधे सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। इसके बाद से हम लोग इसके सिलेबस पे डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे, और जिनको भी एलटी ग्रेड से जुड़ना है तो वो जुड़ सकते हैं, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपके जो है एलटी ग्रेड का जीएस बैच स्टार्ट हो चुका है, और सब्जेक्ट जो कंसर्न सब्जेक्ट हैं आपके वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा, तो अगर आप जीएस से जुड़ना चाहते हैं तो जीएस बैच स्टार्ट हो गया है, आप ऐप डाउनलोड करें और नीचे दिए गए नंबर जो हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके आप पूरी फुल डिटेल कोर्स के बारे में ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, सिलेबस डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।